हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने आईफोन के अंदर ऑडियो को फिक्स कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई भी ब्रश ले लेना है और अपने आईफोन का जो जैक है, जो आप लोगों को ऑडियो का जो जैक है नीचे की तरफ आप लोग स्पीकर को, उसको साफ कर लीजिए। देन आप लोगों को अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर आकर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद साउंड एंड हैप्टिक्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। सिंपल आपको रिंगर एंड अलर्ट्स को फुल पे कर देना है एंड देन आप लोगों को हेडफोन सेफ्टी के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोग इसको 85 डेसिबल के ऊपर सेट कर दीजिए। रिड्यूस लाउड साउंड्स को भी आप लोग ऑन कर दीजिए। देन आपको यहाँ से बैक करना है और बैक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। सबसे लास्ट आपके सामने ऑप्शन होगा सिस्टम हैप्टिक्स। सिंपल आप लोगों को इसको इनेबल कर देना है। देन आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सिंपल आप लोगों को यहाँ पर इस सर्च करना है हियरिंग डिवाइसेस ऑडियो विजुअल्स का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपल ऑडियो विजुअल्स के अंदर आपको आना है और यहाँ पे आके आपको राइट पे इसको करके देख लेना है और आपको कोई वॉल्यूम को चला के देख लेना है, देखना है कि आपके राइट वाले काम कर रहे हैं या नहीं। देन आप इसको लेफ्ट पे करके देखिए एंड देन आप इसको सेंटर में सेट कर दीजिए। अगर अभी भी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है तो आप लोगों को फोन नॉइज कैंसिलेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर मोनो ऑडियो को भी आपको ऑन कर लेना है। बैकग्राउंड साउंड्स के अंदर आना है और इसको आप लोगों को टर्न ऑफ रहने देना है। ठीक है दोस्तों, देन आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करना है, जनरल में आना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है और अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट कर लेना है। देन आपको बैक आना है, जनरल में वापस आना है और यहाँ पर आके आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन के ऊपर टैप करना है। इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स के ऊपर टैप करके अपने आईफोन को एक दफ़ा आपको इरेज कर देना है। देन अगर आपकी इरेज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके हार्डवेयर में है, तो आप इसको करीबी सर्विस सेंटर के पास लेके जाएं, अपने फ़ोन को वहाँ से रिपेयर करवा लें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।